दोस्तों, सफलता का रास्ता अक्सर लंबा और कठिन होता है और इसीलिए हम सभी को सक्सेस का कोई आसान शॉर्टकट चाहिए होता है। हम सभी सफल और सुखी और स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन हम में से 80% लोग सिर्फ बहाने ही बनाते रह जाते हैं। जैसे मैं कल से जरूर मेहनत करूंगा, कल से एक्सरसाइज करूंगा, कल से सीरियसली पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करूंगा, और यही सब एक्सक्यूजेस हमारी असफलता का सबसे बड़ा रीजन होते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा कोशिश करते हैं, या कहे कि कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते। वहीं वो लोग जो सक्सेस तो चाहते हैं पर सीरियसली कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ बहाने बनाते रह जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, जो अनुशासित नहीं है उनका ना तो वर्तमान है और ना ही भविष्य। वो सभी काम जो आपके लिए जरूरी हैं, वो आपको करने ही होंगे, चाहे आपका मन हो या ना हो। दोस्तों, अच्छी आदतें डालना मुश्किल होता है, परंतु उसके साथ जीना आसान होता है। वहीं बुरी आदतें डालना आसान होता है, पर उसके साथ जीना काफी मुश्किल होता है। याद रखिए कि सफलता का कोई बड़ा रहस्य नहीं होता, बल्कि सफलता हमें तब मिलती है जब हम अपने बहाने बनाने की आदत को छोड़ देते हैं। और इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं ऑथर ब्रायन ट्रेसी की बुक द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन नो एक्सक्यूजेस की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब में कहते हैं कि यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो या तो उसे कीजिए और या फिर नहीं। बहाने बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि या तो आप बहाने बना सकते हैं और या फिर प्रगति कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब भी हम कोई काम करने के बारे में सोचते हैं या अपनी लाइफ में कोई और चेंज लाना चाहते हैं, तो हमारा दिमाग उसे ना करने के लिए हमें अनेकों बहाने देता है, और जिससे वो काम हम कभी शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो सेल्फ डिसिप्लिन की आदत को अपना कर खुद को बहाने बनाने की आदतों से दूर रखते हैं, और इसीलिए वो सफल बन जाते हैं। दोस्तों, हर दिन और हर मिनट हमारे अंदर एक लड़ाई चलती है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक तरफ तो कठिन और जरूरी चीजें होती हैं, तो दूसरी तरफ आसान और मजेदार चीजें होती हैं। और इस लड़ाई को जीतने में हमारी मदद करता है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, सफलता किसी को भी अचानक से नहीं मिलती। आप सफल तभी बनते हैं जब आप सफल लोगों की आदतों को अपनाते हैं और उनका कठोरता से अपने जीवन में पालन करते हैं। सफलता के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होती है, और इसी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इसके बिना आपको सफलता नहीं मिल सकती। ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि जो सक्सेस आपको शॉर्टकट से मिलती है, वो उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती है। नेपोलियन हिल ने भी कहा है, आप जो सोचते हैं उसे नियंत्रित नहीं करते हैं, तो आप जो करते हैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आत्म अनुशासन आपको पहले सोचने और बाद में कार्य करने में सक्षम बनाता है। सक्सेसफुल लोग उन चीजों को करना पसंद करते हैं जिनके करने से उन्हें फायदा होता है। वहीं अनसक्सेसफुल लोग उन चीजों को करना चाहते हैं जिनको करने में उन्हें अच्छा लगता है। लेखक ने इस बुक में उन तरीकों के बारे में बताया है जो आपको सक्सेस के रास्ते पर आसानी से ले जा सकते हैं। ऑथर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अपने दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार करो, क्योंकि जो आप बार बार करते हैं वो आपकी आदत बन जाती है, और एक बार जो आपकी आदत बन जाती है उसे तोड़ना काफी मुश्किल होता है। बुरी आदतें बहुत ही आसानी से बन जाती हैं, लेकिन ये आदतें आपको सक्सेस कभी भी नहीं दिला सकती। वहीं अच्छी आदतें बनने में वक्त लेती हैं, लेकिन अगर एक बार बन जाएं, तो आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक बड़ी आसानी से ले जा सकती हैं। अच्छी आदतें बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ डिसिप्लिन सीखना होगा, तभी आप अच्छी आदतों को अपनाने में सफल हो पाएंगे। अच्छे लोगों की कंपनी में रहिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। अगर आपको वो बनना है जो आप अभी तक नहीं बन पाए हैं, तो आपको वो करना होगा जो आपने अभी तक नहीं किया है। और तो कहते हैं कि आज ही उन आदतों को पहचानिए और उन्हें छोड़ दीजिए जो आपके जीवन में नाकामी का कारण है। आज जो लोग भी टॉप पर हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत बॉटम से ही की थी,
और टॉप पर जाने के लिए जिंदगी भर आपको सेल्फ डिसिप्लिन अपनाना ही होगा और खुद को रोज पहले से बेहतर बनाना होगा। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि उनके पास गोल्स हैं, लेकिन रियलिटी में उनके पास केवल उम्मीदें और इच्छाएं ही होती है। इसीलिए इन्हें गोल विदाउट नो एनर्जी बिहाइंड इट कहा जाता है। अगर आप वाकई में अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो ऑथर इसके लिए 7 स्टेप्स को बताते हैं। नंबर 1, निर्धारित करें कि आप क्या चाहते हैं। नंबर 2, उन्हें लिखें। नंबर 3, कब तक आप अपने गोल को पाना चाहते हैं ये लिखें। नंबर 4, एक लिस्ट बनाइए जिसमें उन चीजों को लिखिए जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएंगी। नंबर 5, अपनी लिस्ट को प्राथमिकता के आधार पर सेट कीजिए। नंबर 6, अपने प्लान पर जल्द से जल्द काम करना शुरू कीजिए। नंबर 7, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आपको आपके गोल के नजदीक पहुंचा सकता है। आप हर रोज सुबह उठते ही एक कागज पर कम से कम 10 गोल लिखिए जिन्हें आप अगले 12 महीनों में पाना चाहते हैं। ये गोल आप कैसे प्राप्त करोगे इसके बारे में मत सोचिए, बस आप गोल लिखते रहिए। एक आदत डालिए इन गोल्स को जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप 10 गोल 3-5 मिनट में लिख लें। एक बार आपने अपने गोल लिख लिए, अब उनमें से एक को चुनिए और कल्पना कीजिए कि आप वह अचीव कर चुके हैं और देखिए कि यदि ये गोल पूरा हो जाता है तो इसके क्या सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव होंगे। अपने गोल को लिखने के बाद उसके लिए योजना बनाइए और हर रोज कुछ न कुछ करते रहिए। डू समथिंग, डू एनीथिंग। हर दिन अपने गोल पर काम करते रहिए जब तक आप उसे पा नहीं लेते। ऑथर कहते हैं कि अगर आज आप डिसिप्लिन को अपनाते हैं और एक्सक्यूजेस से दूर रहते हैं तो अभी आपको जरूर कष्ट महसूस होगा, लेकिन यही परेशानियां फ्यूचर में आपको बेहतरीन परिणाम देंगी। अगर आपको सक्सेस की ऊंचाइयों को छूना है तो आपको सेहत से संबंधित एरिया में भी डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि कैरियर की सक्सेस और आपकी हेल्थ का बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि सारी बात केवल मन को अनुशासित करने की ही है। याद रखिए कि बहाने बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन सफल वही बनेगा जो बहानों के मायाजाल से बाहर निकलेगा। इसीलिए आज ही खुद से वादा करें कि नो एक्सक्यूजेस अलाउड। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।